हेलो दोस्तों, आपको स्वागत है आपका अपना चैनल शेफ मिंटू किचन पर। मैं हूँ शेफ मिंटू। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कुछ ऐसा चीज़ दोस्तों जो ज़्यादातर होटलों में यूज़ करते हैं, जिसका नाम है दोस्तों कबाब मसाला। कबाब मसाला दोस्तों बेसिकली जो भी कबाब बनते हैं उसके ऊपर एक मसाला डाला जाता है। वो कबाब मसाला कैसे बनाते हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट उसमें चाहिए होता है, वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों कबाब मसाला बनाने के लिए हमने लिया है चाट मसाला 600 ग्राम, साथ में हम लेंगे रेड चिल्ली पाउडर 1 टेबल स्पून, येलो चिल्ली पाउडर 1 टेबल स्पून, ब्लैक सॉल्ट 1/2 टी स्पून, साथ में दोस्तों हम लेंगे आमचूर पाउडर 1 टेबल स्पून, अभी दोस्तों हम लेंगे अनारदाना पाउडर 1 टेबल स्पून, गरम मसाला 1 टेबल स्पून, व्हाइट सॉल्ट 1/2 टी स्पून, कस्तूरी मेथी पाउडर 200 ग्राम। दोस्तों ये जो इंग्रेडिएंट है, ये इंग्रेडिएंट बहुत ही चटपटा एक मसाले बन के तैयार हो जाएगा। आमचूर पाउडर खट्टापन देगा दोस्तों, साथ में आपका चाट मसाला, अनारदाना, ये जो कॉम्बिनेशन होता है ना, बहुत ज़बरदस्त एक कॉम्बिनेशन होता है दोस्तों। मेथी, चाट मसाला, चिल्ली, ये टोटली एक बहुत ही ज़बरदस्त मसाला बन के तैयार हो जाएगा दोस्तों। ये जो मसाला है ज़्यादातर हम कबाब पकने के बाद, कबाब के ऊपर छिड़कने के बाद हम कबाब को पिकअप करते हैं। ये जो मसाला दोस्तों बहुत ही अच्छा मसाला है दोस्तों, ये हर कोई इस्तेमाल नहीं करते हैं, पर जिनको मालूम है ये कबाब मसाला वो लोग कंपलसरी कबाब में इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों हमने पूरा कबाब मसाला को अच्छा से मिला लिया है। अभी दोस्तों क्या करना है, एक जाली लेना है आपको, जो हम लोग आटा छनने वाले जाली इस्तेमाल करते या ऑयल स्टेनर इस्तेमाल करते, कुछ भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है आटा छनने वाला जाली। इस जाली को पहले हमने दूसरा परत लिया है, वो परत के ऊपर जाली को रखा है, उसके ऊपर दोस्तों हमने सारे मसाले को डाल दिया है। अभी अच्छे से छान लेंगे दोस्तों। ये छानने से क्या होगा दोस्तों, जो इसके अंदर जो हमने मसाला लिया है, जैसे चाट मसाला, अनारदाना, अमचूर पाउडर, बाद बाकी चिल्ली होता है, इसके अंदर मोटा दाना दाना रहता है, तो वो दाना को रिमूव कर देंगे। देखिए दोस्तों मैं जब छान रहा हूँ, देखिए हमारा जो नीचे परत के अंदर, देखो कितना बारीक मसाला हमने छान लिया है, और जो उसके ऊपर छन्नी के अंदर है वो बहुत ही मोटा है, तो मोटा वाला हम साइड करके रख लेंगे, तो दूसरे किसी काम में इस्तेमाल करेंगे। पर ये जो अभी मसाला बन रहा है दोस्तों, ये देखिए कितना माहिम हो चुका है, बहुत ही सुंदर पाउडर बन चुका है हमारा। ये जो है ना दोस्तों, ये जो मसाला है इसको हम टेस्ट कर लेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट हुआ है दोस्तों। इसको हम क्या करेंगे, अभी कंटेनर में पलटी कर देंगे, पूरा मसाला के कंटेनर में डाल देंगे, डाल के अच्छा से पैक करके हम रख लेंगे, कभी भी जब हमारा ज़रूरत पड़ेगा तो कंटेनर से निकालेंगे और इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। सब्सक्राइब करने से दोस्तों हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। दोस्तों आप भी ऐसा कबाब मसाला बना के ट्राई कीजिए, आपका कैसा बनता है कबाब मसाला हमें कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। फिर मिलेंगे एक नया रेसिपी के साथ,
तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।